नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। जिला अधिकारी वंदना की अध्यक्षता में नैनीताल के सभागार कक्ष में डीएसए मैदान ठंडी सड़क में सुविधाओं का विकास और सौंदर्यकरण कार्यों के रैमेज रोड तल्लीताल मुख्य चौराहे सुधारीकरण के संबंध में नगर के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार मंडल होटल एसोसिएशन के पद अधिकारियों अधिवक्ताओं और उसके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीएसए मैदान यहाँ की धरोहर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। साथ ही मल्लिताल फ्लैट्स के जो भी सौंदर्यकरण और विभिन्न खेल सुविधाओं के विकास के कार्य किए जाने हैं, उन्हें दीर्घकालीन प्लान के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर उन्होंने नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए हैं कि डीएसए मैदान में वर्तमान स्थापित भवनों की स्थिति का डेटा उपलब्ध कराने, कार्यदायी संस्था को सभी हितधारकों के सुझाव के अनुरूप डीपीआर में आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। वहीं दूसरे प्रस्ताव में तल्लीताल चौराहे और रैमेज रोड के विकास पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तल्लीताल डांट के मुख्य चौराहे का चौड़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में ट्रैफिक के चलते यहां जाम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में चौड़ीकरण के कार्य से वाहनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि नैनीताल की ठंडी सड़क अपने शांत माहौल और वातावरण की वजह से स्थानीय लोगों के साथ यहां पर आने वाले पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करती है। झील के किनारे तल्लीताल में से मल्लीताल को जोड़ती यह सड़क हरे भरे पेड़ों से घिरी है। लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट ठंडी सड़क के विकास के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।